फिजियो क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेल्स पैल्सी में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के रोल के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन चेहरे के लकवे के मरीज यानी कि बेल्स पैल्सी पेशेंट्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका सबसे सही समय और तरीका क्या होता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जब मरीज लेता है तो उस समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बेल्स पैल्सी का पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन अक्सर उसके ट्रीटमेंट चार्ट के ऊपर ज़रूर मेंशन किया जाता है और पेशेंट को ये समझा दिया जाता है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है क्या। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन का साधारण भाषा में अगर बात करें तो वही इस्तेमाल है जो घर की लाइट जाने पर जनरेटर का होता है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जब हम कोई भी मूवमेंट करना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन से यानी कि हमारे मस्तिष्क से तरंगे उन मांसपेशियों तक पहुंच जाती हैं जिन मांसपेशियों को हम चलाना चाहते हैं। बेल्स पैल्सी के अंदर सेवेंथ क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल नर्व में सूजन आ जाती है या वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन की तरंगे मांसपेशियों तक नहीं पहुँच पाती हैं और मांसपेशियाँ चलने में असमर्थ महसूस करती हैं। और पैरालिसिस के कारण जब ये मांसपेशियां काफ़ी समय तक नहीं चलती हैं तो ये धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर होने लगती हैं जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में एट्रोफी कहते हैं। इसी अवस्था से बचाने के लिए पेशेंट को इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दिया जाता है जिसमें बाहर से मांसपेशियों को डायरेक्टली करंट के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। जब हम मांसपेशियों को इन थेरेप्यूटिक करंट से स्टिमुलेट करते हैं तो ये मांसपेशियां कमज़ोर नहीं पड़ती हैं, इनकी टोन मेंटेन रहती है, इनका ब्लड फ्लो अच्छे से बना रहता है और इन्हीं सब फ़ायदों को देखकर अक्सर डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स को इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेने की एडवाइस देते हैं। तो आइए अब इस वीडियो के पहले सवाल पर चर्चा करते हैं, क्या हर बेल्स पैल्सी के मरीज को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेना चाहिए? और इसका जवाब है नहीं। साइंटिफिक रिसर्चेस में भी देखा गया है कि 70% बेल्स पैल्सी के पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के जिसमें कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी इंक्लूडेड है ठीक हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किन मरीजों को इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी नोन टू को बेल्स पैल्सी अभी अभी हुआ है और आप इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको अपनी फेशियल पैरालिसिस को ग्रेड करना होगा। आपको ये पता करना होगा कि आपके मांसपेशियों की जो पैरालिसिस हुई है वो किस ग्रेड की हुई है। इसके लिए हम हाउस ब्रैकमैन ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि 6 ग्रेड्स होती हैं। तो अगर बेल्स पैल्सी का पेशेंट अपने माथे की मांसपेशियों को जैसे कि भौहों को ऊपर उठाना, अपनी आँखों की मांसपेशियों को जैसे कि बंद करना या अपने चेहरे की खासकर होठों की मांसपेशियों को जैसे कि मुस्कुराना, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तीनों जगह ही कोई मूवमेंट नहीं है तो उसको 6 ग्रेड की पैरालिसिस है, मतलब सबसे सीवियर पैरालिसिस। वहीं ऐसे पेशेंट्स जो अपने माथे की मांसपेशियों को तो बिल्कुल नहीं चला पाते हैं लेकिन आँखों को बहुत ही मामूली रूप से बंद कर पाते हैं और वहीं बहुत ही हल्का सा मूवमेंट वो अपने होठों में भी दिखा पाते हैं तो उनको ग्रेड 5 की पैरालिसिस होती है। वहीं ग्रेड 4 पैरालिसिस के अंदर माथे की मांसपेशियों में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, पेशेंट आँख को बंद करने लगता है पर पूरी तरह से बंद नहीं कर पाता है और चेहरे में मुस्कुराने पर टेढ़ापन साफ साफ दिखता है। वहीं ऐसे बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स जिनकी माथे की मांसपेशियों में मूवमेंट्स होते हैं लेकिन कम होते हैं और वो अपनी आँखों को पूरी तरह से बंद भी कर पाते हैं लेकिन आँखों को पूरी तरह से बंद करने के लिए उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और वहीं चेहरे में भी वो जब मुस्कुराते हैं तो मूवमेंट अच्छा खासा दिखता है लेकिन अभी भी आप टेढ़ेपन को साफ साफ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स ग्रेड 3 पैरालिसिस के होते हैं। वहीं ग्रेड 2 बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स
के अंदर नियर नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो अपने माथे को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल साइड के कंपैरिजन में हल्की सी कमज़ोरी महसूस करते हैं। आँखों को वो बिना किसी तकलीफ के आराम से बंद कर पाते हैं, लेकिन आँखों को बंद करने पर अगर आप बाहर से खोलने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस साइड पैरालिसिस है उस साइड की पलक आराम से उठ जाएगी और इस साइड की पलक फिर भी बंद रहेगी। ऐसे ही मुस्कुराने पर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल सिमेट्री दिखने लगती है और इतना ज़्यादा टेढ़ापन महसूस नहीं होता है। हाउस ब्रेकपिन ग्रेडिंग के अंदर ग्रेड वन उन लोगों को दिया जाता है जिनके अंदर किसी भी तरह की पैरालिसिस के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और नॉर्मल होता है। तो हमने ये स्केल क्यों डिस्कस किया है? हमने ये स्केल इसलिए डिस्कस किया है कि अब आप आसानी से पहचान पाएंगे कि पेशेंट जो बेल्स पैल्सी का है उसको कौन से ग्रेड की पैरालिसिस हुई है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि उसको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स जिनको कि ग्रेड 4, 5 या 6 का पैरालिसिस हुआ है उन्हें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं ग्रेड 2 और 3 पैरालिसिस के पेशेंट्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पैरालिसिस के पेशेंट्स को इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेने की ज़रूरत इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनके मांसपेशियों में अभी भी मूवमेंट्स हैं, मांसपेशियां अभी भी चल रही हैं, जो हमें दर्शाती हैं कि ब्रेन से सिग्नल्स मांसपेशियों तक पहुंच रहे हैं लेकिन वो वीक हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिकल करंट से मांसपेशियों को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो ब्रेन के सिग्नल्स के अलावा एक और सिग्नल्स को भी महसूस करेंगी और इसके रेस्पॉन्स में ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी जिसकी वजह से उनमें अकड़न आ सकती है। ग्रेड 4 और ग्रेड 5 बेल्स पैल्सी पैरालिसिस के पेशेंट्स को भी ध्यान रखना है कि उनको सिर्फ माथे की मांसपेशियों के लिए ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, वहीं आंखों को और होठों को वो फिर भी थोड़ा बहुत चला पा रहे होते हैं। तो ऐसे किसी भी हिस्से को जिसको पेशेंट खुद से चला पा रहा हो भले ही वो थोड़ा सा क्यों ना हो उस हिस्से पर इलेक्ट्रिकल करंट से स्टिमुलेशन हमें नहीं लेना चाहिए। वहीं ग्रेड 6 पैरालिसिस के पेशेंट्स जिनके चेहरे पे कोई भी मूवमेंट नहीं आ पाता है वो परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिनको कि ज़रूर इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन हमें कब से लेना शुरू करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट को आज बेल्स पैल्सी हुई और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको रिकमेंड कर दिया है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, तो पेशेंट को ये लगता है कि ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें अपनी फेशियल पैरालिसिस की ग्रेडिंग करा लेनी है और अगर हम राइट कैंडिडेट हैं, अगर हमारे को ग्रेड 4, 5 और 6 की पैरालिसिस है तो भी हमें कम से कम 2 हफ्ते रुककर और फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी लेनी चाहिए। पेशेंट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो पहले दिन से ही या दूसरे दिन से ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं ले रहा है तो उसकी रिकवरी धीरे होगी। बेल्स पैल्सी के अंदर जब हमारी नस में सूजन आती है या नस डैमेज हो जाती है तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है उस नस की डैमेज प्रोसेस को पूरा होने में। तो हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद ही मांसपेशियों को बाहर से करंट से स्टिमुलेट करना शुरू करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन कैसे कराना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के अंदर जिस करंट को यूज किया जाता है वो होता है इंटरमिटेंट डायरेक्ट करंट या गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट मांसपेशियों में बारी बारी से अलग अलग जगह पर दिया जाता है और इसको देने से जो मांसपेशियां नस के डैमेज होने की वजह से चल नहीं पा रही होती हैं उनके अंदर हम मूवमेंट्स को महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के अंदर भी इसको मरीज को देने के 2 महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल मसल स्टिमुलेशन जिसमें कि हर मांसपेशी को बारी बारी से स्टिमुलेट किया जाता है, वहीं दूसरा होता है ग्रुप स्टिमुलेशन जिसमें कि हम सारी मांसपेशियों को एक साथ ही स्टिमुलेशन देते हैं।
अब इसमें भी बहुत ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें सिक्स ग्रेड की पैरालिसिस है तो हम दोनों में से किसी भी तरह के स्टिमुलेशन को ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्रेड फोर और ग्रेड फाइव की पैरालिसिस है तो हमें इंडिविजुअल मसल स्टिमुलेशन ही लेना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर कंडीशन में, चाहे वो ग्रेड फोर फाइव या सिक्स हो, इंडिविजुअल मसल स्टिमुलेशन को ही प्रिफर करें। अगली ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, अगर हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ले रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम बैठ कर लें, ना कि लेट कर लें, और साथ ही साथ हमारे आगे एक मिरर, एक शीशा रखा हुआ हो, और हम कोशिश ये करें कि जिस भी मांसपेशी को स्टिमुलेट किया जा रहा है हम उस मांसपेशी के काम को खुद भी करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20 मिनट या 30 मिनट के लिए स्टिमुलेशन के लिए गए हुए हैं और आप वहां जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मशीन बाहर से करंट दे रही है और यहां मूवमेंट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है, आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है और उन मूवमेंट्स को करने की कोशिश करनी है जिन मूवमेंट्स को बाहर से करंट के द्वारा हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को शीशे के सामने लेंगे तो आपको एक फीडबैक भी मिलता रहेगा और आप देख पाएंगे कि आप मांसपेशियों को कितने अच्छे से चला पा रहे हैं या करंट से मांसपेशी कितनी चल रही है, तो इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो ध्यान रखें, हमेशा बैठकर और शीशे के सामने ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को लें। बेल्स पेल्सी पेशेंट्स के अंदर दो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो देखी जाती हैं जब हम स्टिमुलेशन को सही तरीके से नहीं लेते हैं, वो है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर्स या फिर फेशियल टाइटनेस एंड सिंकाइनेसिस। टाइटनेस होने का मेन कारण यह होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेते रहते हैं, हमारी मांसपेशियों को ज़रूरत नहीं है फिर भी हम करंट को लिए जा रहे हैं। सिंकाइनेसिस भी करंट का ही एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को इस वीडियो में बताए हुए तरीके से ही लें। सिंकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि हम अगर अपनी मांसपेशी, लेट से हम अपनी आंखों की मांसपेशियों को चलाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आंखों को बंद करें, तो आंखों को बंद करने के साथ साथ अपने आप ही हमारे होठों की मांसपेशियां भी चल जाती हैं कुछ इस तरह से। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप मुस्कुराना चाह रहे हो और मुस्कुराने के साथ साथ ही आपकी नाक की मांसपेशी चल जाए जिसको कि आप चलाना नहीं चाह रहे। ये तब होता है जब हम स्टिमुलेशन को ढंग से नहीं लेते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी ले लेते हैं, या फिर ज़रूरत थी हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लिया लेकिन एक समय आया जब हमें उसको बंद कर देना चाहिए था, हम फिर भी लेते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि जो 6 ग्रेड्स इस वीडियो में हमने बताई हैं उनको आप लगातार बार बार रीअसेस करते रहें, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपकी मांसपेशी आपके कंट्रोल में कब आ रही है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर हल्का सा भी मूवमेंट आप खुद करने लग गए हैं तो इसका मतलब है कि अब आप बाहर से करंट लेना बंद कर दें। तो चलिए अब बहुत ही जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट को बेल्स पेल्सी होती है तो वो अपनी फेशियल पैरालिसिस की ग्रेडिंग करे, 4, 5 और 6 ग्रेड के पेशेंट्स ही इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लें, केवल उन हिस्सों में ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लिया जाए जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ग्रुप मसल स्टिमुलेशन ना लें, इंडिविजुअल मसल स्टिमुलेशन को प्रिफर करें। कोशिश करें कि इंडिविजुअल मसल स्टिमुलेशन के दौरान हर मांसपेशी को एटलीस्ट 30-60 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। बैठकर स्टिमुलेशन लें, शीशे के सामने बैठकर स्टिमुलेशन लें, साथ ही साथ जैसे ही इंप्रूवमेंट्स आने लगे, मोटर मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में आने लगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को लेना बंद कर दें। आपकी रिकवरी बहुत अच्छी आएगी और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपको नहीं आएगा। बेल्स पेल्सी के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बेल्स पेल्सी मैनेजमेंट की 4th वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे अबाउट दी फेशियल मसाज टेक्निक फॉर बेल्स पेल्सी पेशेंट। इसके अंदर हम बताएंगे कि बेल्स पेल्सी के पेशेंट को अपने चेहरे की मसाज किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि उसकी रिकवरी जल्दी हो।